Hello guys, welcome back to my channel Info Canada. I hope you all are doing good and very good afternoon to all of you. तो guys, आज मेरे पास 12 and 13 जनवरी की PPRs की timelines हैं. तो चलिए guys, बिना time waste किए video को start करते हैं. लेकिन guys, अगर आप मेरे channel पर first time visit कर रहे हो, आप अगर मेरा channel first time देख रहे हो, तो मेरे channel को ज़रूर subscribe कर लीजिए and bell icon को press कर दीजिए, क्योंकि इस channel पर आपको इसी तरह की updates देखने को मिलती रहेंगी. तो चलिए guys, first PPR की timeline देखिए. ओके गाइज, तो ये फर्स्ट देखिए, अक्टूबर 16 फाइल लॉन्चमेंट डेट थी. सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे हो गया, BCL इनको नेक्स्ट डे आ गया. उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR रिसीव हुई है जनवरी 12 को. ओके गाइज, ये नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 16 ये भी फाइल लॉन्चमेंट डेट है. सबमिशन कंफर्मेशन इनका नेक्स्ट डे हुआ. जिस दिन सबमिशन कंफर्मेशन हुआ उसी दिन इनको BCL मिला अपना अक्टूबर 17 को. उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR इनको रिसीव हुई है जनवरी 12 को. ओके गाइज, नेक्स्ट है, ये है अक्टूबर 28 फाइल लॉन्चमेंट डेट. सबमिशन कंफर्मेशन इनका सेम डे हो गया. BCL अक्टूबर 29 को आया इनको. उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR रिसीव हुई है जनवरी 12 को. ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए, ये है अक्टूबर 17 फाइल लॉन्चमेंट डेट. सबमिशन कंफर्मेशन भी अक्टूबर 17. उसके नेक्स्ट डे इनको अक्टूबर 18 को BCL मिला. उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR रिसीव हुई है जनवरी 12 को. ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए, ये है अक्टूबर 16 ये भी फाइल लॉन्चमेंट डेट. सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे. उसके बाद इनको BCL मिला अक्टूबर 17 को. देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR रिसीव हुई है जनवरी 12 को. ओके गाइज, नेक्स्ट है, अक्टूबर 16 फाइल लॉन्चमेंट डेट है. सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे. BCL इनको आया अक्टूबर 17 को. उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR रिसीव हुई है जनवरी 12 को. ओके गाइज, नेक्स्ट है, ये है अक्टूबर 16 फाइल लॉन्चमेंट डेट. सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे. उसके बाद इनको BCL आया है अक्टूबर 20 को. उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR इनको रिसीव हुई है जनवरी 12 को. ओके, ये नेक्स्ट है अक्टूबर 16 फाइल लॉन्चमेंट डेट. सबमिशन कंफर्मेशन उसके नेक्स्ट डे हुआ अक्टूबर 17 को. और सेम डे BCL मिला. उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR रिसीव हुई जनवरी 12 को. ओके, नेक्स्ट है गाइस, अक्टूबर 28 फाइल लॉन्चमेंट डेट थी. सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे. BCL अक्टूबर 29 को आया. उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR रिसीव हुई है जनवरी 12 को. ओके गाइस, नेक्स्ट है अक्टूबर 15 फाइल लॉन्चमेंट डेट. सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे. BCL इनको अक्टूबर 19 को आया. उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR रिसीव हुई है जनवरी 12 को. ओके गाइस, तो ये हमारे व्यूअर हैं जिनको अपनी PPR 12 ऑफ जनवरी को रिसीव हुई है. ओके, तो इनकी फाइल लॉन्चमेंट डेट थी 16 अक्टूबर. 20 अक्टूबर को इनके बायोमेट्रिक्स हुए. 30 दिसंबर को इनका मेडिकल अपडेट हुआ. 12 ऑफ जनवरी को इनको BVL एंड PPR दोनों ही रिसीव हो गए. ओके, नेक्स्ट देखिए गाइज, ये इनका रीअप्लाइड केस था. फाइल लॉन्चमेंट डेट थी 15 अक्टूबर. मेडिकल अपडेट हुआ इनका 7 ऑफ जनवरी को. और उसके बाद इनका रिव्यू स्टार्ट हुआ 12 ऑफ जनवरी. एंड सेम डे इनको अपनी PPR रिसीव हो गई. ओके, नेक्स्ट देखिए गाइज, इनको भी इनकी PPR 12 ऑफ जनवरी को रिसीव हुई है. फाइल लॉन्चमेंट डेट थी 15 अक्टूबर. बायोमेट्रिक्स थे 20 अक्टूबर. मेडिकल अपडेट हुआ इनका 7 ऑफ जनवरी को. और 12 ऑफ जनवरी को इनको अपनी PPR रिसीव हो गई. ओके, नेक्स्ट देखिए गाइस, इनकी फाइल लॉन्चमेंट डेट थी 15 अक्टूबर. बायोमेट्रिक्स थे 22 अक्टूबर के, जो कि नेक्स्ट डे अपडेट हुए. मेडिकल अपडेट हुआ इनका 7 ऑफ जनवरी को. इनका 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है. इनको वर्क एक्सपीरियंस, आईएलटीएस में इनका स्कोर है 6.5, नॉट लेस देन 6. इन्होंने अप्लाई किया था कॉनेस्टोगा कॉलेज में. और कोर्स है इनके पास वेब डेवलपमेंट का 2 इयर्स का. और जनवरी इनटेक के लिए इनको अपनी PPR 12 ऑफ जनवरी को रिसीव हुई है. ओके, नेक्स्ट है गाइस, ये फाइल लॉन्चमेंट डेट थी 14 अक्टूबर. बायोमेट्रिक्स 19 अक्टूबर. SDS कैटेगरी की फाइल थी. आइल्स में ओवरऑल स्कोर है इनका 7, नॉट लेस देन 6. और कोर्स है इनके पास एसोसिएशन ऑफ आर्ट्स. और इनको इनकी PPR 12 ऑफ जनवरी को रिसीव हुई है. ओके, नेक्स्ट देखिए गाइस, ये फाइल लॉन्चमेंट डेट थी 12 नवंबर नाइग्रा कॉलेज टोरंटो के लिए. और यस्टरडे मींस इनको अपनी PPR 12 ऑफ जनवरी को रिसीव हुई थी. तो कमेंट का जो मैंने रिप्लाई था वो थोड़ा सा लेट किया था, इसी वजह से ये लेट मैं आपको शो कर रही हूँ ये आज वाली PPRs, बिकॉज कल वीडियो नहीं डाली थी इस वजह से. तो इनको इनकी PPR 12 ऑफ जनवरी को रिसीव हुई थी.
ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, ये थी फाइल लॉजमेंट डेट 28 सितंबर, रीअप्लाई केस था। 8 दिसंबर मेडिकल रिक्वेस्ट आई इनको, 29 दिसंबर इनका न्यू मेडिकल अपडेट हो गया था। जनवरी इनटेक के लिए इनको अपनी पीपीआर 12 ऑफ जैन को रिसीव हुई है। ओके, ये नेक्स्ट देखिए गाइस, फाइल लॉजमेंट डेट थी 16 अक्टूबर, बायोमेट्रिक्स 27 अक्टूबर, पीपीआर एंड बीवीएल इनको मिला है 12 ऑफ जनवरी को। ओके, नेक्स्ट है गाइस, फाइल लॉजमेंट डेट थी 15 ऑफ अक्टूबर, बायोमेट्रिक्स 20 अक्टूबर, और सब कुछ मींस मेडिकल अपडेट हुआ 12 ऑफ जनवरी को, रिव्यू भी स्टार्ट हुआ, बैकग्राउंड चेक इनका स्टार्ट हुआ 12 ऑफ जनवरी, एंड पीपीआर इनको 12 ऑफ जनवरी को रिसीव हो गई। ओके गाइस, तो अब आप देखेंगे जनवरी 13 की पीपीआर, तो ये फर्स्ट है। अक्टूबर 13 फाइल लॉजमेंट डेट थी, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, बीसीएल अक्टूबर 14, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर जनवरी 6 को आया, और पीपीआर रिसीव हुई जनवरी 13 को। ओके, ये नेक्स्ट देखिए गाइस, ये थी फाइल लॉजमेंट डेट 16 ऑफ अक्टूबर, मेडिकल सबमिशन कंफर्मेशन इनका सेम डे हो गया, बीसीएल इनको अक्टूबर 18 को आया, मेडिकल अपडेट हुआ इनका 8 ऑफ जनवरी के लिए, और 8 ऑफ जनवरी को इनका मेडिकल अपडेट हुआ है। हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है इनके पास, और कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर इनको रिसीव हुई है 13 ऑफ जनवरी को। ओके, नेक्स्ट देखिए गाइस, अक्टूबर 28 फाइल लॉजमेंट डेट थी, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, बीसीएल उसके नेक्स्ट डे आ गया, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर जनवरी 13 को इनको रिसीव हुई है। ओके, नेक्स्ट है गाइस, अक्टूबर 17 फाइल लॉजमेंट डेट थी, सबमिशन कंफर्मेशन अक्टूबर 18 को हुआ, BCL अक्टूबर 19 को आया, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR जनवरी 13 को इनको रिसीव हो गई। ओके, नेक्स्ट देखिए गाइस, ये है अक्टूबर 18 फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन अक्टूबर 19, BCL अक्टूबर 20, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर जनवरी 13, एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी जनवरी 13 को इनको रिसीव हो गई। ओके, ये नेक्स्ट देखिए गाइस, अक्टूबर 28 फाइल लॉजमेंट डेट थी, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, बीसीएल अक्टूबर 29, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर रिसीव हुई है जनवरी 13 को। ओके गाइस, ये देखिए, अक्टूबर 7 फाइल लॉजमेंट डेट थी, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, बीसीएल अक्टूबर 8 को आया, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर रिसीव हुई है जनवरी 13 को। ओके, नेक्स्ट देखिए गाइस, अक्टूबर 16 फाइल लॉजमेंट डेट थी, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, और बीसीएल अक्टूबर 18 सॉरी सबमिशन कंफर्मेशन गाइस इनका अक्टूबर 17 को हुआ, उसके बाद बीसीएल अक्टूबर 18 को आया, देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर जनवरी 13 को इनको रिसीव हुई है। ओके, नेक्स्ट है गाइस, अक्टूबर 15 फाइल लॉजमेंट डेट थी, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, बीसीएल अक्टूबर 16 को आया है, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर जनवरी 13 को रिसीव हुई है। ओके, नेक्स्ट देखिए गाइस, अक्टूबर 15 फाइल लॉजमेंट डेट थी, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, बीसीएल अक्टूबर 19 को आया, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर जनवरी 13 को इनको रिसीव हो गई। ओके, नेक्स्ट है गाइस, अक्टूबर 16 है ये फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे का है, बीसीएल अक्टूबर 17 नेक्स्ट डे, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर जनवरी 13 को रिसीव हो गया। ओके गाइस, ये नेक्स्ट देखिए, काफ़ी ज़्यादा ब्लर है, लेकिन फिर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये है फाइल लॉजमेंट डेट अक्टूबर 14, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे है, बीसीएल अक्टूबर 15 का है, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर है जनवरी 12 का, एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट है जनवरी 13 को। ओके, नेक्स्ट देखिए गाइस, अक्टूबर 15 फाइल लॉजमेंट डेट थी, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, बीसीएल अक्टूबर 16 को, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर जनवरी 13 को। ओके, ये नेक्स्ट है गाइस, अक्टूबर 16 फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन अक्टूबर 19, बीसीएल अक्टूबर 20, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर जनवरी 13। ओके, नेक्स्ट है अक्टूबर 17 फाइल लॉजमेंट डेट, अक्टूबर 18 सबमिशन कंफर्मेशन, बीसीएल अक्टूबर 19, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर जनवरी 13 2022। ओके, नेक्स्ट देखिए गाइस, अक्टूबर 15 फाइल लॉजमेंट डेट थी, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे है, बीसीएल अक्टूबर 16, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर जनवरी 13 को इनको रिसीव हुई है। ओके, नेक्स्ट देखिए गाइस, ये है अक्टूबर 7 फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, बीसीएल अक्टूबर 8, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर रिसीव हुई है जनवरी 13 को। ओके, नेक्स्ट देखिए गाइस, अक्टूबर 16 है फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, बीसीएल अक्टूबर 18 को आया, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड पीपीआर जनवरी
13 को इनको रिसीव हो गए। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए, ये व्यूअर हैं हमारे, इनकी फाइल लॉजमेंट डेट थी 15 अक्टूबर, बायोमेट्रिक्स 18 अक्टूबर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, 10th में 80%, 12th में 86%, आईएलटीएस में 8 बैंड्स हैं और इनको अपनी पीपीआर 13 ऑफ जनवरी को रिसीव हुई है। ओके, नेक्स्ट है गाइज, फाइल लॉजमेंट डेट थी इनकी 15 अक्टूबर, बायोमेट्रिक्स 22 अक्टूबर एंड पीपीआर 13 ऑफ जनवरी। ओके गाइज, ये नेक्स्ट है, फाइल लॉजमेंट डेट 12 अक्टूबर, मेडिकल अपडेट 31 दिसंबर, बीवीएल आया 12 ऑफ जनवरी को और पीपीआर 13 ऑफ जनवरी को इनको रिसीव हुई है। ओके गाइज, ये नेक्स्ट है, ये थी फाइल लॉजमेंट डेट अक्टूबर 13, अक्टूबर 4th मेडिकल है, अक्टूबर 18 बायोमेट्रिक्स और इनको 6 ऑफ जनवरी को पीवीएल मिला है एंड 13 ऑफ जनवरी को इनको पीपीआर रिसीव हुई है। ओके गाइज, नेक्स्ट है, ये फाइल लॉन्चमेंट डेट है 16 अक्टूबर, एसटीएस कैटेगरी की फ्रेश फाइल थी, सीरीज नंबर भी मेंशन किया हुआ है, बायोमेट्रिक्स 20 अक्टूबर, सेम डे अपडेट हो गई, अपफ्रंट मेडिकल 22 सितंबर, जो कि अपडेट हुआ 8 ऑफ जनवरी को। उसके बाद इनका जो कोर्स है वो है जूलॉजी में, बैचलर्स है, पीवीएल एंड पीपीआर 13 ऑफ जनवरी को इनको रिसीव हुए हैं। ओके गाइस, तो ख़त्म हो चुकी हैं पीपीआर्स, काफ़ी बल्क में पीपीआर्स थी, बिकॉज 2 डेज़ की पीपीआर्स हैं, 12 एंड 13 ऑफ जनवरी की। तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, पहली वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टिल देन गाइस, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड विद इन्फो कैनेडा।